अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम लोगों की बात बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा मसला ये आ रहा था कि हमारे पास स्टॉक कौन कौन सा अवेलेबल है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि फेसबुक पे यूज़ बाई कितनी पोस्ट हम लोग नहीं करते क्योंकि बहुत अनप्रडिक्टेबिलिटी है, आए दिन आता रहता है निकल जाता है, इसलिए हम लोग उस पर पोस्ट नहीं कर पाते। तो उसका हमने हल ये निकाला है कि ताकि हमारे कस्टमर और फैसिलिटेट रहे, हम लोग ना छोटी छोटी वीडियोज़ बना के पोस्ट कर देंगे, कर दिया करेंगे फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जिसमें यूज़ बाई भी होंगी, उनके स्पेक्स होंगे, प्राइस के लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी, बाकी यूज़ के बाद फिर हम लोग न्यू बाइक से लेंगे। अब जैसे आपको दिखा देता हूँ कि वापस यूज़ बाइक में कौन कौन सा स्टॉक खड़ा हुआ है, कितनी सीसी बाइक है, क्या उसके स्पेक्स हैं, आफ्टर मार्केट लगे हुए नहीं लगे हुए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास एक ये बाइक खड़ा हुआ है GP1, ये 350cc है, डुअल सिलेंडर है और 2018 का मॉडल है और 2018 ही इम्पोर्ट है। अच्छा, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि यूज़ बाइक हम लोग जब लेते हैं एक्वायर करते हैं किसी से भी या परचेज करते हैं किसी से भी, तब ये मेक श्योर करते हैं कि उसकी जो हालत है वो कंडीशन बहुत अच्छी हो, एक्सीडेंटल ना हो और कोई मेजर इशू ना हो। अगर उसमें कोई मेजर इशू होता है तो पहले हम बात वो बाइक लेते नहीं, अगर हमें फिर भी लेनी पड़े किसी भी वजह से तो फिर जब कस्टमर को या तो ठीक करके देते हैं पूरा, अगर नहीं कर पा रहे तो उसको सेल भी नहीं करते या बता देते हैं और उसके हल भी बता देते हैं। बाकी कंडीशन बाइक की साफ सुथरी होती है, ज़्यादा मेजर इशूज नहीं होते, टायर की कंडीशन, इंजन की कंडीशन ये बहुत मुनासिब तरीके की होती है। अब ये एक बाइक वापस एक यूज में खड़ा हुआ है, 350 सीसी है, ये वैलेंटिनो GP1, इसको ये चला हुआ है, अभी आप थोड़ा करीब आ जाए ताकि मैं दिखा सकूँ, लोग ये तकरीबन चला हुआ है 5300 समथिंग, ये इसके माइलेज शो कर रहा है 53,083 किलोमीटर्स, बाकी इसकी लाइट्स अब आगे जाके देख लें, ये इसकी DRL है और ये इसकी नॉर्मल बीम है और ये हाई है। इसके अंदर जो आपको स्टॉक के अलावा चीज़ें मिलती हैं वो इसका मिलता है, इसका आफ्टर मार्केट स्लिप ऑन, AC के स्लिप ऑन लगा हुआ है, इसका साउंड नोट मैं सुना देता हूँ, इसका साउंड नोट कैसा होगा, और उसके अंदर इंजन के अंदर कोई भी इशू निकलता है तो वो कंपनी के पैनल पे ही सॉल्व होकर आपको दिया जाएगा। हाँ, अगर उसके फेयरिंग के इशूज हैं या कोई और इंजन के अलावा और इशू है तो वो फिर आप अपने ही जो बायर होगा वो खुद ही अफोर्ड करके उसको ठीक करवाएगा, इंजन में कोई इशू होंगे तो उसके हम से बता रहे हो आपको ठीक करके देखें। अच्छा, ये तो कैटेगरी आ गई टारो की और 350cc में, अगर हम लोग बात करें 250cc में तो अच्छा, हम लोगों ने बात की 350cc में जो टारो की बाइक्स हैं, हम लोग बात करते हैं हमारे एक और वेरियंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है स्काईलाइन, ये कावासाकी निंजा का रेप्लिका है, ये वाला बाइक है ब्लैक कलर के अंदर, 250cc है, अंडरटेल एग्जॉस्ट है और 2009 का मॉडल है और 2019 ही इसकी इम्पोर्ट है, बाकी बाइक फुल स्टॉक कॉन्फिगरेशन में, कोई आफ्टर मार्केट में नहीं लगा हुआ, स्लिप ऑन जैसे ग्लॉस है वो पूरा का पूरा स्टॉक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ हुआ। इसकी माइलेज, अच्छा माइलेज से पहले मैं कंडीशन की बात करूँ, बाइक की कंडीशन बहुत अच्छी रही है, बाकी अब आगे आप लोग देख सकते हैं, इसकी माइलेज 1541 किलोमीटर्स ये बाइक चला हुआ है, मैं आपको इसका साउंड नोट सुना देता हूँ स्टॉक पे, लाइट्स ऑन करना। रही बात अब इसके DRLs की, ये इसके DRLs हैं और ये इसका नॉर्मल बीम है,
और ये इसकी हाई बीम है। हमारे पास इसके अलावा भी और बाइक्स हैं जिसको हम लोग अपडेट करते रहेंगे, तो इफ यू वांट टू विजिट आवर शोरूम फॉर श्योर यू कैन विजिट, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेसरीज वगैरह वो आप आके विजिट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज आपको मिल जाएंगी। और एक आखिरी बात जो हम लोग करना चाहते हैं, जो आखिरी बात हम लोग करना चाहते हैं, लोगों को ये बहुत सवाल होता है कि हमारे पास पार्ट्स अवेलेबिलिटी है क्या इसकी, आप बेशक खुद शोरूम आके विजिट कर लें, वरना आते ही सारे के सारे कार्टन नज़र आ रहे हैं ऊपर पड़े हुए, ये भी और उधर भी। हमारे एक डेडिकेटेड शोरूम है, वो भी सारे पार्ट पड़े हुए। फिर हमारे एक डेडिकेटेड स्टोर है जहाँ पे इंजन के पार्ट्स, बॉडी फेयरिंग्स, किसी भी किस्म का पार्ट हो, बेशक टायर हो, रिम हो, टाइमिंग चेन हो, कुछ भी हो, वो आपके पास सब अवेलेबल होगा। तो हम एडवांटेज यही देते हैं कि आपको पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू नहीं होगा। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।